ये गाइस बोसा क्या हाल है। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और लॉकडाउन का मज़ा ले रहे होंगे। तो फिलहाल गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर किस तरीके से आप लोग भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो और उसके थ्रू आप लोग भी मोर व्यूज़ गेन कर सकते हो। बट उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से वॉच करना, क्योंकि लास्ट में मैंने आप सभी से अपनी कुछ दिल की बातें शेयर करी है। और हाँ भाई लोग, कमेंट करके ये बताना कि आप सभी को ये न्यू सेटअप कैसा लगा है। और हाँ भाई लोग, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो क्या ही करो, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। साथ में चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो फटाफट से अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो चलो गाइस बढ़ते फटाफट से अपनी वीडियो की तरफ। आप लोगों को वीडियो के किसी भी पार्ट में 4 डिजिट का कोड मिलेगा। अगर आप लोगों को वो दिखाई दे तो सिर्फ आप लोगों को अपने भाई को इंस्टाग्राम पर मेंशन कर देना है, जिसके थ्रू आप लोग भी प्रमोशन के विनर बन जाओगे। सिंपल सा स्टेप है, जरूर से फॉलो करना। तो अब बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। गाइस अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग भी अपने स्मार्टफोन से प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग उसके थ्रू व्यूज़ गेन कर सकते हो। यस गाइस थोड़ा सा वेट करो, आप लोगों को कुछ न्यू चीज़ सीखने और देखने को मिलने वाली है। तो ओके गाइस मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जो आप लोग अपने सामने देख सकते हो। उसके बाद में गाइस जाना है आपको सबसे पहले यूट्यूब पर जाने के बाद आपको जाना है अपने चैनल पर, और उसके बाद जाना है वीडियो वाले सेक्शन पर। उसके बाद आप लोगों को सिंपली कोई सी भी वीडियो पर क्लिक कर देना है, बट ओपन नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को ऊपर के साइड किसी भी वीडियो को रेंडमली चूज़ कर लेना है और वहाँ पर क्लिक करना है 3 डॉट्स पर। उसके बाद में गाइस आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, शेयर करने का भी ऑप्शन मिलेगा, बट आप लोगों को सिंपली सेव अ प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस आप लोगों को सबसे ऊपर देख सकते हो स्क्रीन पर, वहाँ पे ब्लू आइकन में आप लोगों को लिखा हुआ आएगा न्यू प्लेलिस्ट। उसके बाद में आप लोगों को सिंपली प्लेलिस्ट क्रिएट कर लेना है और उसके बाद में आप लोगों को अपने सारी वीडियो को उसके अंदर सेलेक्ट करके डाल देना है, जिस तरीके से आप लोग आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो। अब गाइस मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग इन प्लेलिस्ट के थ्रू व्यूज़ गेन कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ विद प्रैक्टिकल समझो इस कितना आसान है प्लेलिस्ट क्रिएट करना। आई होप आप लोग भी प्लेलिस्ट क्रिएट करना सीख गए होंगे। और अगर गाइस आप लोग चाहते हो कि आपकी प्लेलिस्ट दूसरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा टॉप पे दिखे, ताकि उस पर ज़्यादा क्लिक्स आ सके, ज़्यादा वॉच टाइम मिल सके और ज़्यादा व्यूज़ मिल सके, तो आप लोगों को सिंपली इस वीडियो पर क्लिक करके एक कॉमेंट कर देना, प्यारा सा कॉमेंट करना कि हाँ भाई हमें एक रैंकिंग पर एक छोटी सी वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर से आप लोगों को बनाकर दे दूँगा। सिर्फ आप लोगों के छोटे से प्यारे से कॉमेंट की ज़रूरत है। अब गाइस आप लोगों को किस तरीके से अपने नॉर्मल से प्लेलिस्ट पर व्यूज़ लेकर आने, और अगर ज़्यादा व्यूज़ लेकर आना चाहते हो तो मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा ना नेक्स्ट वीडियो में, उसके आई बटन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, अभी तो नहीं लेकिन जब बन जाएगी, जब मिल जाएगी, उसके थ्रू भाई आप लोग अपने प्लेलिस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेकर आ सकते हो। और सबसे ज़्यादा भाई पोस्ट टाइम, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब किस तरीके से आप लोगों को अपने प्लेलिस्ट के थ्रू व्यूज़ मिलेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले गाइस आप लोगों को मेरे मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही होगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं ओपन करता हूँ अपने YouTube को और वहाँ पे जाकर सर्च करता हूँ, जैसे मेरे प्लेलिस्ट का नाम है YouTube टिप्स। और आपका भी कुछ हो सकता है, जैसे आप इंस्टाग्राम से रिलेटेड बनाते हो कि इंस्टाग्राम पर फॉलोवर किस तरीके से बढ़ाए, व्यूज़ कैसे बढ़ाए, रील्स पे अच्छे एंगेजमेंट किस तरीके से पाए, तो आपका वहाँ पे बनेगा इंस्टाग्राम टिप्स एंड ट्रिक, जैसे इंस्टाग्राम रील हो गया। तो आपके जो नाम है ना भाई, ये सबसे ज़्यादा मेन रहेगा, जितना अच्छा आप शॉर्ट में नाम लिखोगे उतना आपको व्यूज़ मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे रखा भाई YouTube टिप्स, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो YouTube टिप्स। अब गाइस मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे फिल्टर के पास में एक नज़र आ रहा होगा एक ऑप्शन, जहाँ पर लिखा प्लेलिस्ट। अब गाइस सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखो भाई कितने ज़्यादा प्लेलिस्ट है भाई, एक भी नहीं भाई, बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट है। अब किस तरीके से हमको हमारी जो प्लेलिस्ट है ना उसको टॉप पर ले जाना है वो मैं आपको भाई नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उसके आई बटन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बट बाद में जब आप लोग इस वीडियो पर कॉमेंट करोगे और एक छोटा सा लाइक करोगे तो कर देना, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। अब गाइस किस तरीके से आप लोगों को व्यूज़ मिलेंगे,
तो गाइस होता क्या है, जैसे 1000 लोग हैं ठीक है, अब कुछ हो आपको पता है, जैसे जुन्नू बिटेक हो गया, टेक्निकल स्टार हो गया, और कुछ से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो क्या करते हैं, मास्टरी कोर्स लॉन्च करते हैं, या फिर गाइस उन्हें पता होता है कि जो न्यू यूट्यूबर है उन्हें पता नहीं है कि स्टार्टिंग क्या करनी है, एंडिंग क्या करनी है, हमारी मिस्टेक क्या है जिसको हमको सुधारना है, जिसके थ्रू हमारे जो चैनल है वो ग्रो होगा। तो आप लोगों को पता है कुछ लोगों ने ये कर रखा है, मास्टरी कोर्स बना रखा है, या फिर बहुत सकते हैं यूट्यूबर के कुछ हेल्प लेके ये सारी चीज़ें बना रखी है। बट गाइस मेन मकसद बताऊँ ना, इनको व्यूज़ मिलते हैं के थ्रू, और सबसे ज़्यादा मिलता है भाई इनको वॉच टाइम, जो रियली में इन सभी के लिए और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। बट मैं आप लोगों को बता दूँ ना, आप लोगों को प्लेस के थ्रू लाइव व्यूज़ किस तरीके से मिलेंगे। तो गाइस होता क्या है, 1000 में से 2000 बंदे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे एक नया बंदा है ठीक है, उसको भाई नॉर्मल वीडियो देखना ज़्यादा पसंद नहीं है, कुछ बंदे क्या करते हैं, जैसे कुछ पिक्चर है ठीक है, राधे मूवी हो गई, उसके आधे आधे जो सीन रहते हैं ना उसको प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके बाद में सिर्फ गाइस क्या होता है, जैसे बंदा एक प्लेलिस्ट एक वीडियो देख रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके भाई जो नीचे की वो है ना, मतलब वीडियो है ना, ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगी, और होगा क्या, उसको भाई और वॉच टाइम व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो गाइस सिंपली आप लोगों को क्या करना है, अपनी प्लेलिस्ट को रैंक कराने के लिए एक वीडियो के लिए छोटा सा कॉमेंट कर देना, तो आई थिंक आप लोगों ने कर दिया होगा, आप लोगों की जब प्लेलिस्ट रैंक होगी ना तो भाई बंदे वहाँ पर क्लिक करेंगे, वैसे अभी भी करेक्ट करेंगे लेकिन कम करेंगे, 50% कम करेंगे, और उसके उस ट्रिक के थ्रू आप लोगों को 50% ज़्यादा करेंगे। उसके थ्रू यार मैं अगर बताना बैठूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए कमेंट कर देना। उसके थ्रू गाइस आपकी प्लेलिस्ट रैंक होगी, आपको उस पर क्लिक्स मिलेंगे, व्यूज़ मिलेंगे, वॉच टाइम मिलेगा। इसके थ्रू भाई आप लोगों का फ़ायदा है कि प्लेलिस्ट बनाकर आप लोग व्यूज़ कमा सकते हो, वो भी मोर मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं। तो छोटी सी ट्रिक है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे भाई तूने बोले कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको वापस बताता हूँ। होता क्या गाइस, देखो आपकी प्लेलिस्ट है वो बार बार रैंक नहीं होती, आप लोगों ने बना दिए यूट्यूब टिप्स के नाम से ठीक है, मैंने जैसे बनाई है वो गाइस मैं सर्च करूँगा, बहुत चांसेस रियर है कि कभी आए कभी ना आए। लेकिन कुछ बंदे होते हैं ना जिन्हें भाई चूल होती है प्लेलिस्ट में जा जाके घुसने की, तो कुछ बंदे वहाँ पर जाएंगे आपके प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, डेफिनेटली आपको व्यूज़ मिलेंगे। तो ये छोटी सी सिंपल सी बात है, मैंने आपको थोड़ा एग्जांपल देकर समझाया जो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अभी तक अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो ये मेरी यूज़र आईडी फटाफट से फॉलो कर लो, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हाँ कॉमेंट में ये बताना कि किस तरीके से आप लोगों को मेरा न्यू प्लेग्राउंड कैसा लगा, कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलो भाई लोग आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ कुछ दिल की बात ये थी कि अब से आप लोगों को जो कंटेंट ना भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिलेगा, और हाँ हमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कुछ इस टॉपिक पर जिसके थ्रू आप लोगों को ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। ये जो टॉपिक था ना आज का कि प्लेलिस्ट कैसे बनाए, मोर व्यूज़ किस तरीके से गेन करें, ये बहुत अलग सा टॉपिक है, बट व्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलेंगे। एक छोटा सा कमेंट कर देना एक न्यू वीडियो के लिए जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोग और ज़्यादा व्यूज़ किस तरीके से कर सकते हो, अपनी प्लेलिस्ट को रैंक कैसे कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते जुलते एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ये वीडियो को वॉच कर सकते हो और तब तक आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।